बहराइच के मोतीपुर वन्य क्षेत्र अंतर्गत खपरा वन चौकी के समीप जंगल के पास वन विभाग ने एक जापानी गाड़ी सुजुगाड़ी NH4264299 को जंगल से गुजरता देखा। संदेह के आधार पर जब वन विभाग की टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो वन विभाग की टीम ने गाड़ी में दो शिकारियों को मय असलहा व जंगली जानवर की खाल व एक जंगली मुर्गा के साथ पकड़ा। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योतिंदर सिंह रांधावा पुत्र रंजीत सिंह रांधावा निवासी गुनगांव नई दिल्ली व दूसरा व्यक्ति पूर्व आर्मी कैप्टन महेश ब्रजाधार पुत्र विट्ठल राव पोस्ट निम्बार्ग जिला सोला महाराष्ट्र शिका निवासी है। गाड़ी से बरामद समासुअर की खाल एक मृत जंगली मुर्गा .22 राइफल ब्लेसर जर्मनी 3 खाली कारतूस व 80 जिंदा कारतूस एक मैगजीन बैना कूलर HD दूरबीन रेंज फाइंडर 2 मोबाइल सर्च लाए टार्च व 36,600 भारतीय रूपये बरामद हुए हैं। पकड़ने वाली टीम वन क्षेत्र अधिकारी श्रुहनलाल एवं रेंज स्टाफ तथा STPF के जवान। वर्ष के अंत में हमारे फील्ड डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार पूरे प्रभाग में हम लोग इसकी गश्त कर रहे हैं लगातार। इसी दौरान गश्त के दो लोग संदिग्ध रूप में गाड़ी में घूमते हुए दिखाई दिए। उनकी जांच करने पर पता चला कि उनके पास एक जंगली मुर्गा शिकार किया हुआ और एक सांभर की खाल मिली और साथ साथ उनके पास एक .22 की राइफल और 80 बुलेट मिली हैं। पूछताछ करने पर उन्होंने कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो प्रतीत हुआ कि ये लोग जानबूझ करके ऐसा कार्य कर रहे थे। और जो वन विभाग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करके इनको जेल भेजने की तैयारी।